YouTube चैनल अद्भुत कहानी स्टार पर उपस्थित समस्त श्रोताओं का, भक्तों का और सब्सक्राइबर बंधुओं का एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। श्रोताओं, आज का वीडियो बड़ा शानदार होने वाला है। आज के वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 प्रश्न बताऊंगा जो पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से पूछे थे और भगवान श्री कृष्ण ने उन प्रश्नों का जवाब क्या दिया था। तो आइए श्रोताओं, जानते हैं आज के 5 आश्चर्यजनक प्रश्न। देखिए श्रोताओं, एक समय की बात है कि 5 पांडव आपस में विचार करने लगे कि आज हमें आखेट के लिए जाना है। 5 के 5 भाई बैठे हुए विचार कर रहे थे और तभी भगवान श्री कृष्ण आ जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण उन्हें देख करके मुस्कुरा रहे थे कि पांडवों, आज क्या विचार आया है आपके मन में कि हे भगवान, महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका है और हम ये सोच रहे हैं कि इससे आगे कैसा युग आएगा, क्या होगा यहां से आगे। तो भगवान श्री कृष्ण उनके मन की बात समझ जाते हैं और उन 5 को आखेट के लिए भेज देते हैं कि जाओ, तुम 5 आखेट करने चले जाओ। श्रोताओं, 5 पांडव अलग अलग दिशाओं में आखेट करने चले जाते हैं। सबसे पहले युधिष्ठिर जिस दिशा में गए थे, उस दिशा में युधिष्ठिर ने देखा कि एक हाथी और उसके 2 सूंड थी। ये देखकर के युधिष्ठिर के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा, मन में सोचता हुआ, विचार करता हुआ चला आ रहा है, सोच रहा है कि भगवान श्री कृष्ण से इसका अर्थ पूछूंगा। श्रोताओं, तभी दूसरे पांडव भीम ने और भी एक सुंदर आश्चर्य देखा कि एक गाय जिसका एक बछड़ा था और उस बछड़े को चाट रही थी और चाटते चाटते इतना चाटा बछड़ा कि लहू लुहान हो गया, लेकिन बछड़े को छोड़ नहीं रही थी। ये जब आश्चर्य भीम ने देखा तो भीम भी मन में विचार करने लगे कि ये गाय का बछड़ा है और इसे इतना चाटते जा रही है कि इसके शरीर से खून निकल रहा है। ये देख करके भीम ने भी मन में विचार किया कि आज मुझे माधव से इस प्रश्न को पूछना है। श्रोताओं, तीसरे पांडव अर्जुन जब आखेट के लिए वन में आगे गए तो अर्जुन के आश्चर्य का भी ठिकाना नहीं रहा। अर्जुन ने एक बहुत ही विचित्र पक्षी देखा। पक्षी के पंखों पर वेद की ऋचाएं लिखी हुई थी, मंत्र लिखे थे और वेद शास्त्र लिखे हुए थे। बड़ा सुंदर पक्षी था देखने में, परंतु मांस का भक्षण कर रहा था, मांस खा रहा था वो पक्षी। ये देख करके अर्जुन कहने लगा, इतना सुंदर पक्षी है, स्वर्ण कलर का पक्षी है, सोने जैसा रंग है इसका और वेद शास्त्रों से रचित इसकी पंखे हैं, परंतु ये क्या खा रहा है। ये सोच करके अर्जुन ने भी मन में विचार किया कि चलो भगवान श्री कृष्ण से इसका उत्तर जानेंगे। श्रोताओं, चौथे पांडव नकुल आगे चले जा रहे हैं और नकुल ने देखा कि एक पर्वत से एक बहुत बड़ी शिला नीचे लुढ़कने लगी। उस शिला को रोकने में बड़ी बड़ी शिलाएं, बड़े बड़े वृक्ष नाकाम रहे, ना उसे कोई वृक्ष रोक सका, ना उसे कोई शिला रोक सकी। वो शिला लुढ़कती ही जा रही थी, उस शिला को कोई भी वृक्ष नहीं रोक सका, वह शिला लुढ़कती ही जा रही थी। और देखा आगे कि एक बिल्कुल छोटा सा वृक्ष, एक मामूली सा वृक्ष उस शिला को रोक लेता है, वो शिला रुक जाती है। ये देख करके नकुल के मन में विचार आया कि ये कैसा आश्चर्य है, इसे भी चल करके मैं भगवान श्री कृष्ण से पूछूंगा। श्रोताओं, 5वां पांडव सहदेव जब वो अपनी दूसरी दिशा में गया तो उसने भी एक विचित्र अजूबा देखा, एक आश्चर्य देखा और उस आश्चर्य को देख करके सहदेव आश्चर्यचकित रह गए। सहदेव ने देखा कि एक जंगल में 7-7 कुआं, 8-8 कुआं पानी से लबालब भरे हुए हैं। कुआओं से पानी निकल रहा है परंतु उनके मध्य में एक खाली कुआं पड़ा हुआ है। यह देख करके सहदेव मन में बड़े आश्चर्य करते हैं कि क्या विडंबना है ईश्वर की, ये 7-8 कुआं भरे हुए हैं
जबकि इनके मध्य में एक कुआं खाली पड़ा है। ये सोच करके सहदेव के मन में भी विचार आया कि चलो इसको भगवान श्री कृष्ण से पूछूंगा। श्रोताओं, पांचों पांडव शाम को जब आखेट करने के बाद घर लौटे तो भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे कि हे माधव, हे श्री कृष्ण, हमने आज एक बड़ा आश्चर्य देखा था। हमने जो आश्चर्य देखे उन्हें हमें समझाइए। श्री कृष्ण कहने लगे, कहो पांडवों आपने क्या देखा? तो सबसे पहले युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, हे माधव, हे भगवान श्री कृष्ण, मैंने एक विचित्र आश्चर्य देखा। कि बोलो धर्मराज, क्या देखा आपने? कि प्रभु, जिस वन में मैं गया था उस वन में एक हाथी देखा और उस हाथी के दो सूंड थी। तो ये बात सुनकर के भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, आगे आने वाले समय में ऐसे ही लोग होंगे, उनकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर होगा। कहेंगे कुछ, करेंगे कुछ, दोनों तरफ से प्रजा का शोषण करेंगे। प्रजा पर दोहरी मार पड़ेगी, प्रजा का शोषण करने से नहीं चूकेंगे। आपके मुंह पर कुछ कहेंगे और पीठ पीछे कुछ और करेंगे। ऐसे ही लोग सत्ताधारी होंगे और ऐसे ही लोगों की कलयुग में बकत बैलू होगी। उन्हीं को मान सम्मान दिया जाएगा क्योंकि वो सत्ता में होंगे, जो दुमोहे होंगे, जो कहेंगे कुछ करेंगे कुछ, दोहरा शोषण करेंगे प्रजा का। ये बात सुनकर के युधिष्ठिर कहने लगे, वाह भगवान, ये युग कब आएगा? कि युधिष्ठिर, अभी कुछ समय बाकी है। श्रोताओं, ये बात समाप्त हुई तो भीम बोले कि हे माधव, मैंने भी आज विचित्र घटना देखी। कि कहो क्या देखा भीम आपने? कि हे कृष्ण, मैंने देखा कि एक गाय अपने बछड़े को चाट रही थी और इतना चाटा उस बछड़े को कि उसके शरीर से खून बह रहा था। तो श्री कृष्ण कहने लगे कि हे भीम, ध्यान से सुनो, आगे आने वाले युग में जो कलयुग आ रहा है उसमें माता पिता अपनी संतान से इतना मोह करेंगे कि उसे सांसारिकता में ही जकड़े रखेंगे। यदि किसी माता पिता का बालक साधु होगा तो माता पिता को बहुत बड़ा दुख होगा, वो उसे संत नहीं बनने देंगे, उसे हरि की प्राप्ति नहीं होने देंगे, उसे ईश्वर का भजन नहीं करने देंगे। इतना मोह माया जाल उस कलयुग में होगा, वो केवल सांसारिकता में ही लिप्त रहेंगे। ये माँ बाप अपने पुत्रों को, अपनी संतान को इस गर्त में धकेल देंगे कि वो सांसारिकता में कुछ भी ना कर सके और ना अपने मोक्ष को प्राप्त कर सके। ये कलयुग का सत्य होगा। ये बात सुनकर के अर्जुन कहने लगे कि हे भगवान, मैंने भी एक विचित्र आश्चर्य देखा। कि कहो अर्जुन, आपने क्या देखा? कि प्रभु, मैंने देखा कि एक सुंदर पक्षी जिसकी पंखों पर वेदों की ऋचाएं लिखी हुई थी, उसके पंखों पर मंत्र लिखे हुए थे, वेद लिखे हुए थे, और वह पक्षी मांस का भक्षण कर रहा था। कि हाँ अर्जुन, बिल्कुल सही कहा आपने, कलयुग में आगे आने वाले समय में ऐसा ही होगा। जो ज्ञानी ज्ञानवान और विद्वान पंडित होंगे वो केवल दिखावे के होंगे, वो ढोंगी होंगे और उनका कर्म इतना बुरा होगा, व्रती राक्षसी होगी। वो केवल दिखावे के चक्कर में ढोंग करेंगे और उनके अंदर की जो बात है, उनका मन है, वो अलग होगा। वो ये नहीं चूकेंगे, वो ये सोचते रहेंगे कि कौन सा व्यक्ति कब मरे और हम उसकी संपत्ति को हड़प लें। अर्थात इसी तरीके के व्यक्ति कलयुग में होंगे, जो दिखाने में बड़े ब्राह्मण और विद्वान दिखाई देंगे परंतु उनके मन की बात कोई नहीं जान सकता, राक्षसी वृत्ति होगी, आपके मरने की प्रतीक्षा करेंगे। ये कलयुग का सत्य होगा। श्रोताओं, ये बात सुनकर के अर्जुन कहते, वाह माधव, ये युग कब आएगा? कि अर्जुन, बस कुछ समय बाकी है, आने वाला है। उसके बाद नकुल कहने लगे कि हे प्रभु, मैंने भी एक विचित्र घटना देखी थी। कि क्या देखा? कि ईश्वर, एक बड़े विशाल पर्वत से एक बहुत बड़ी शिला लुढ़की और वो शिला लुढ़कती ही जा रही थी
उसके सामने बड़े बड़े वृक्ष आए, बड़ी बड़ी शिलाएं आईं, लेकिन किसी से शिला नहीं रुकी। वह एक छोटे से वृक्ष से रुक गई, एक छोटे से वृक्ष से टकराई और शिला रुक गई। यह देखकर के मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि हां नकुल, तुम सही कह रहे हो, कलयुग में बस यही होगा। कलयुग में ऐसे व्यक्ति तो होंगे कि वो अनेकों ढोंग विद्याएं करेंगे, लेकिन उन्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा, केवल हरि का नाम होगा। यदि कोई व्यक्ति राम नाम का जाप करेगा तो वो कलयुग में मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा, नहीं तो वो लुढ़कता ही रहेगा। वो शिला इस बात का प्रतीक है कि ऊंचाई पे से लुढ़कते ही जाओ, अर्थात सांसारिकता में बंधे ही रहो, मोक्ष प्राप्त नहीं होगी। केवल कलयुग में हरि का नाम, और रामायण में भी कहा है कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर उतरे नरपारा, अर्थात कलयुग में भगवान का नाम ही सर्वोपरि होगा। ये बात सुनी तो नकुल भी प्रसन्न हो जाते हैं। उसके बाद सहदेव कहने लगे, हे माधव, मैंने भी एक विचित्र आश्चर्य देखा। कि क्या देखा था बताओ सहदेव? कि प्रभु, मैंने एक वन में 8-10 कुआं इकट्ठे देखे, एक स्थान पर देखे, और उन कुआओं में सब में जल भरा हुआ था, परंतु एक कुआ खाली पड़ा था भगवान, और कुआ पानी ऊपर से बह के जा रहा था, लेकिन एक कुआ वहां भी सूखा था। कृष्ण कहने लगे कि हे सहदेव, ध्यान से सुनो, कलयुग में ऐसे ही पुरुष होंगे। तुम्हारा पड़ोसी भूखा मर रहा होगा, लेकिन तुम उसे बचाने की कोशिश नहीं करेंगे। तुम अच्छे पैसे वाले होंगे, कलयुग का नियम होगा, लोग बड़े पैसे वाले होंगे, धनवान होंगे, लेकिन उनके बीच में एक गरीब व्यक्ति भूखा मर सकता है, वो उसे बचाएंगे नहीं। ये कलयुग का सत्य होगा। कलयुग में एक एक बाप के साथ साथ संतानें हो जाएंगी, लेकिन एक बाप का पेट नहीं भर पाएंगे, ये कलयुग का सत्य होगा। यही तुम्हारे उन कुआओं का रहस्य है सहदेव। तो ये बात सुनकर के पांचों पांडव कहने लगे कि भगवान, ये कितनी समय बाद घटित होगा? कि बस पांडवों, कुछ समय बाद महाभारत युद्ध समाप्त हो गया है, मैं अपने धाम को जाने वाला हूं, तुम भी जाने वाले हो, और कलयुग का आगमन होगा। तो देखिए श्रोताओं, इस तरीके से भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग के ना आने से पहले ही कलयुग के पांचों सत्य बता दिए थे, जो आज प्रत्यक्ष में हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का वीडियो। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका लाइक हमें उत्साह प्रदान करता है। अब इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।